हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मिसेस मैमुना बॉम्बे वाला एंड वी आर ऑन आवर सेकंड वीडियो ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। हमने अपने लास्ट वीडियो में बी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कवर किया, राइट। अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सल्फोनिक एसिड, एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड के हाइड्रोलिसिस से हम बेंजीन बना सकते हैं, राइट। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हियर, that is hydrolysis of aromatic sulfonic acid। सबसे आसान होता है कि हम ये reactions को इन sentences में याद करें, ना कि वो R C double bond O H ऐसे। ये अगर हमको समझे तो हम पूरी reaction लिख सकते हैं। See, for example, sulfonic acid कौन सा? Aromatic, तो हम लिखेंगे benzene सल्फोनिक एसिड, मतलब SO3H। ये हो गया हमारा क्या? एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड, एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड। यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये हमने एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड ले लिया, राइट। तो एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड को हम रिएक्ट करने वाले हैं वॉटर के साथ, क्योंकि हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, लिसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो हाइड्रोलिसिस, अगर मैं बोलू इलेक्ट्रोलिसिस तो ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर मैं बोलू पायरोलिसिस तो ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ हाई हीट टेम्परेचर। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्या? हाइड्रोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। बस सिंपली ये कंपाउंड टूट रहा है एट अ हाई डिग्री, हाई टेम्परेचर, से 150 टू 160 डिग्री टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। क्या किया? ब्रेक डाउन। कैसे? ऐसे। तो मिल गया मेरे को क्या? दिस इज माई बेंजीन रिंग, जिसमें ये वाला एक H लग गया, ये वाला एक H, और ये SO3H के साथ ये OH जुड़ गया। तो क्या मिल गया मेरे को? H2S, ये वाला S, O4, 3+1, 4। I get side product as sulfuric acid. So simply by breaking down of aromatic sulfonic acid, we get what? We get nothing but we get a benzene ring. Always never forget to put the aromatic ring, put the aromaticity in benzene. Otherwise it looks like cycloalkanes. Otherwise it looks like, no, it actually looks like cycloalkanes only if you forget to write the aromaticity in between. Correct? This is the second method of preparation, very simple and easy to understand. Now we move to the third one, from reduction of diazonium salt. Keep watching, keep liking, and I'll be publishing more videos on methods of preparation of benzene.